केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कार्यक्रम में कहा कि यूपी सरकार को अगर एक अलग राज्य बना दिया जाए तो यह देश का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य होगा। ऐसे में उनके बयान का विरोध करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता संगीत सोम ने कहा कि यूपी पश्चिम मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा ने सभी सांसदों का सर्वे कराया था जिसमें संजीव बालियान का कार्य औसत रहा है। टिकट कटने के डर से संजीव बालियान इस तरीके के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव को स्टंट बताया है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि संजीव बालियान अगर यूपी पश्चिम का भला चाहते हैं तो भाषणबाजी के बजाय उन्हें इस पर काम करना चाहिए था। देखिए, संजीव बालियान जी केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में जो मंत्री होता है उसको भाषण नहीं देना चाहिए, उसको क्रियान्वयन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उसने एक प्रस्ताव भेजा था कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे राज्यों में बांट दिया जाए। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार अलग उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का आंदोलन चलाया, अलग राज्यों को लेकर के जगह जगह जनसभाएं की, रैलियां की, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल सब जगह वो गए, दौरा किया। और उसके दबाव में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस समय 2007 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और इसके हर क्षेत्र के अपने मुद्दे, बुंदेलखंड का अपना मुद्दा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपना मुद्दा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का अपना मुद्दा है। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में गठन करने की मांग चल रही है तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड को भी एक नए राज्य के रूप में स्थापित करना चाहिए। और विशेषतः मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल राज्य की मांग करता हूँ, इसलिए कि विकास के क्रम में देखा जाए तो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल लगातार पिछड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश को धार्मिक रंग दे देना ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक पुराना हिस्सा है। संगीत सोम और बलियान साहब के जो स्टेटमेंट है वो सीधे सीधे यही बताते हैं कि ये एक प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की। एक मंत्री कहता है कि अलग स्टेट होना चाहिए, तुरंत ही दूसरे उनके बड़े नेता उसी राज्य के उसको धर्म से और दूसरे किस्म की राजनीति से जोड़ देते हैं। और खुद ही भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता ये काम कर रहे हैं जिसमें दूसरे किसी लोगों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बात एकदम क्लियर है कि किसी मुद्दे को उठाना, फिर उस मुद्दे को धर्म की तरफ ले जाना और उसका कोई पॉलिटिकल फायदा उठाना, ये भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई है तब